पहाड़ी इलेक्ट्रिशियन, दिस इज रजत चौहान। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है हाइड्रो पावर प्लांट। आज हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि बिजली कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले हम इसके आउटलाइन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, मैं आगे आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, तो बीच में वीडियो मत छोड़ना। तो आइए पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपके आउटलाइन डायग्राम ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये आपका रिजर्वर, रिजर्वर में क्या है, पानी को स्टोर किया जाता है। रिजर्वर के आगे लगता है आपके कंट्रोल गेट, कंट्रोल के आगे लगी आपकी पेन स्टोक पाइप। समझेंगे हम हर चीज समझेंगे, पहले आप इसको देख लो। मैंने हर चीज आगे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की है, जैसे पेन स्टोक, इनटेक स्ट्रक्चर, कंट्रोल गेट, रवाइन, आउटफ्लो, जो भी ड्राफ्ट ट्यूब, जो भी एनीथिंग इसमें यूज हुआ है इक्विपमेंट, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले आप ऐसे आउटलाइन डायग्राम देख लो, क्या क्या चीजें यूज की गई है और कैसे कैसे लगाई जाती हैं। तो ये रिजर्वर, रिजर्वर के आगे डैम लगा होता है, डैम में भी पानी स्टोर किया जाता है। डैम के आगे आपके इनटेक स्ट्रक्चर, इनटेक स्ट्रक्चर से आगे कंट्रोल गेट, पेन स्ट्रोक, फिर आगे आता है आपका यहाँ पे होता है बालव हाउस, बालव हाउस से आगे लगता है आपका टरबाइन, टरबाइन टरबाइन के साथ शाफ्ट जोड़ जाती है, और शाफ्ट के साथ आगे जनरेटर, जनरेटर का काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी लेना, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है। कैसे बनाता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बट पहले जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई है, पानी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें, और जब पानी की स्पीड बदलती है उसमें काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी रेड द टर्बाइन रनर, फिर जो रनर शाफ्ट को घुमाता है, फिर बनती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये थी आपकी आउटलाइन डायग्राम, इतने ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, आइए आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने इसके आउटलाइन डायग्राम देखी, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका हाइड्रो पावर प्लांट की आउटलेट डायग्राम। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो पता है, बिजली बनाने के लिए रिजर्वर में पानी को स्टोर किया जाता है। इस रिजर्वर में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और इसके आगे लगता है इनटेक स्ट्रक्चर। इनटेक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम, आगे समझाऊंगा विद डायग्राम, दिखाऊंगा अभी और समझाऊंगा अभी। पहले आप इसमें मोटा मोटा देख लो। फिर लगती है पेन स्टोक, इसमें पानी जाता है, पानी की बहुत स्पीड होती है, और इसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। फिर आगे लगता है आपका बल्ब हाउस, इस डायग्राम में शो नहीं किया है। फिर बल्ब हाउस के आगे एक और पेन स्टोक लगती है, और वो पता नहीं कितने डिग्री एंगल पे, आई थिंक 51 या 56 डिग्री एंगल होता है जब पानी को फेंका जाता है टरबाइन के ऊपर। बट टरबाइन के पीछे लगता है MIB, इसे कहते हैं मेन इनलेट बल्ब, मेन कंपोनेंट बिजली बनाने का, क्योंकि सबसे पहले यही ओपन होता है जब टरबाइन के ऊपर पानी आता है। पर MIB के साइड में दो सींग लगे होते हैं, उसे कहते हैं हम बाईपास, उन्हें धीरे धीरे ओपन कर दिया जाता है MIB से पहले, और MIB में MIB को ही ओपन कर दिया जाए सबसे पहले, तो आपका टरबाइन नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बाईपास वो बाल वो ओपन होते हैं, फिर आगे स्पाइल केस होती है ऐसे गोल्स की तरह, उसमें पानी घूमता है। फिर आगे लगता है गाइड वैंस, ऐसे होते हैं गाइड वैन, टी शेप के होते हैं, टी शेप, वो क्लॉक वाइज ओपन होते हैं धीरे धीरे। फिर आपकी टरबाइन या रनर धीरे धीरे रोटेट करता है, ऐसे बहुत धीरे 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 धीरे, जब वो स्पीड पकड़ लेता है ठीक ठाक, फिर आपका MIB को ओपन कर दिया जाता है। इसके ऊपर एक शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट कनेक्ट की जाती है, फिर शाफ्ट के ऊपर जनरेटर कनेक्ट किया जाता है, फिर बिजली तैयार की जाती है और बिजली को ट्रांसमिट किया जाता है। किसके जरिए, ट्रांसफार्मर के जरिए। तो इतना लंबा प्रोसेस किया जाता है, देखो बिजली बनाना इतना आसान नहीं है, पर जो चीजें लगी है जैसे इनटेक स्ट्रक्चर, कंट्रोल गेट, पिन स्ट्रोक, टरबाइन, आउटपुट, मैं हर चीज के बारे में डिस्कस करूंगा और एक एक चीज लूंगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसमें तो मैंने आपको ऐसे मोटा मोटा दिखाई है, तो आइए आगे समझ। ये थी दोस्तों आपकी आउटलाइन डायग्राम हाइड्रो पावर प्लांट की। आइए अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसके नौ कंपोनेंट जो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं। तो पहला है आपका फोर वे इनटेक स्ट्रक्चर, पिन स्ट्रोक, सर चैम्बर, हाइड्रोलिक टरबाइन, पावर हाउस, ड्राफ्ट ट्यूब, टेल रेस। तो सबसे है पहले हम फोर वे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोर वे क्या होता है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फोर वे आपका
एक पानी का कुंड जहां पानी को टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब स्टोर किया जाता है। टेम्परेरी क्यों क्यों वर्ड आया यहाँ पे? टेम्परेरी मतलब इसको हम एकदम यूज कर लेते हैं, परमानेंट स्टोर नहीं करते। टेम्परेरी स्टोर किया जाता है उसे हम फोर वीक होते हैं, जस्ट लाइक एज ए डैम की तरह ही होता है ये भी। तो ये था आपका फोर वीक। आइए मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। तो चलिए इस दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया फोर वे के बारे में। तो दोस्तों, ये है आपका फोर वे, एक पानी का कुंड जहाँ टेम्परेरी पानी को स्टोर किया जाता है। और यह भी इसका यूज़ और इसका मेन यूज ये है जब लोड की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। और एक मेन बात, इसको जलाशय के साथ में बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब ऊपर से पानी आता है तो उसमें तो आपको पता है बहुत ही गंदगी होती है, जैसे मिट्टी, कूड़ा, करकट, उसको रिमूव करने के लिए फोर वे का यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपको पता है आगे फैन स्ट्रोक लगी है, टरबाइन लगे हैं, बहुत ही महंगे महंगे इक्विपमेंट लगे हैं, उनको बचाने के लिए फोर वे का यूज़ किया जाता है। तो इसकी मेन एडवांटेज यही है। और ये जस्ट एज ए आर्टिफिशियल या नेचुरल भी हो सकता है। और ये बड़े जलाशय के बगल में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी आपने फोर वे पिक्चर में देखा, ऐसे होता है आपका फोर वे। और उसके आगे लगा तो आपका इनटेक स्ट्रक्चर। इनटेक स्ट्रक्चर का काम होता है पानी को कलेक्ट करता है। कहाँ से कलेक्ट करता है? सिंपल भाषा में फोर वे से करता है। पर कलेक्ट तो करता है, पर जो फोर वे में जो होता है कूड़ा करकट कुछ भी सिल्ट वगैरह जो इनटेक स्ट्रक्चर में आता है उसको वो साफ कर देता है। इनटेक स्ट्रक्चर में लगी होती है जालियां, उस इनटेक स्ट्रक्चर ना लगाया जाए ये गई पेन स्टोक में तो अगर टरबाइन लगता है वो टरबाइन को नुकसान पहुंचा देगी। इनटेक स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि पानी को कलेक्ट करता है फोर वे से, और उसमें जो भी मतलब कूड़ा करकट होता है उसको आगे जाने नहीं देता। आइए इसको भी तस्वीर के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका इनटेक स्ट्रक्चर। ये देखो, ये इस जाली टाइप होता है। ये पानी को कलेक्ट करता है कहाँ से? फोर वे से कलेक्ट करता है। और वो आपको तो पता है, फोर में जब वो गंदगी वगैरह आती है तो उसको साफ करने के लिए आगे जालियाँ लगाई जाती हैं। और वो जालियाँ स्टील की बनाई जाती है। स्टील की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जब सर्दी के मौसम में क्या होता है, सर्दी के मौसम में बर्फ़ पड़ती है, नदी आपकी या पानी आपका पूरा जम जाता है, तो उसको मेल्ट करने के लिए स्टील की बनाई जाती है। तो आप सोच रहे हो स्टील की क्यों बनाई जाती है? तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, उससे इनको पिघला दिया जाता है बर्फ़ को, और पानी आगे चला जाए, इसलिए इनटेक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। और जब जालियों में गंद वगैरह फंसता है, मतलब कूड़ा करकट कुछ भी फंस जाए, तो ऊपर ये ट्रॉलियाँ लगी होती है, ये इसको साफ़ कर देती हैं। तो ये है इसका मेन एडवांसेज। दोस्तों, ये है आपका इनटेक स्ट्रक्चर। ये जालियां जैसी होती हैं, ये फोर वे के आगे लगाया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अभी आपने इनटेक स्ट्रक्चर के बारे में देखा, आइए अब डिस्कस करते हैं पेन स्ट्रोक के बारे में। पेन स्ट्रोक का क्या कहते हैं? पेन स्ट्रोक कंट्रोल द स्पीड ऑफ वाटर। सीधी बात यार, कंट्रोल द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड को कंट्रोल करता है जो इनटेक स्ट्रक्चर से आता है पानी, एक काम होता है। आइए इसको भी हम अकॉर्डिंग टू तो पिक्चर। दोस्तों, ये है आपका इनटेक स्ट्रक्चर के आगे लगने वाली पेन स्ट्रोक। और ये ब्रांचेस की तरह यूज़ की जाती है। और ब्रांचेस की तरह इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि अगर सिंगल पाइप यूज़ की जाए तो इसका फटने का डर लगा रहता है, इसलिए इसको ब्रांच की तरह यूज़ किया जाता है। और इसमें पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसके फटने का डर लगा रहता है। तो उसको रोकने के लिए इसके बीच में एक दीवार लगाई जाती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये इनटेक स्ट्रक्चर के आगे लगाई जाती है। तो दोस्तों, खुद सोच लो, बिजली ऐसे नहीं तैयार होती, बहुत ही मुश्किल से तैयार होती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस। दोस्तों अभी आपने क्या देखा? क्या दिखे इससे पहले क्या दिखे तुम्हें? पेन स्टोक देखा, समझ गए ना आप जो मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई? तो बस वैसे होते हैं आपकी पेन स्टोक। उसके आगे लगता है आपका सबसर्च चैम्बर, बीच में होता है ऐसे वर्टिकल, सेफ्टी कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ये नहीं होता मतलब आपका हाइड्रो पावर प्लांट जो है नुकसान में, बहुत नुकसान होगा उसमें, फटने का डर लगा। ये बड़ा सेफ्टी डिवाइस है, इसको भी हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम समझेंगे। और इसकी मैं आपको इसके दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा अभी। तो चलिए तो दोस्तों, ये है आपका सर चैम्बर, सिलिंड्रिकल टैंक होता है ये के, और ये ऊपर से खुला, और ये पेन स्ट्रोक के पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर इसका यूज़ ना किया जाए तो वो आपकी पाइप में तो फट जाएगी, क्योंकि आपको तो पता है बरसात के मौसम में और गर्मियों में कितना पानी होता है।
अब सोच रहे हैं गर्मियों में कैसे होगा पानी। होगा यार, गर्मियों में तो सबसे ज्यादा बिजली बनती है, क्योंकि गर्मियों तो पता है आपकी बर्फ गर्मियों में ही पिघलती है, तो उस कारण पानी का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। और पेन स्टोव का मेन काम है, जब पानी का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए तो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अगर पानी, और एक और बात है इसके अंदर, एक और एडवांटेज है, अगर पानी की कमी हो जाए पावर हाउस में तो ये आगे पानी भेज देता है, मतलब जो उससे एज ए बैटरी बैकअप। मैं हाइड्रो पावर प्लांट का एक है बैटरी बैकअप है, और इसका यूज ना किया जाए तो आपके पाइपों के फटने का डर लगा रहता है। और ये पेन स्टोव के बीच में यूज किया जाता है वर्टिकली, और इसको मैं आपके एक बिग एग्जाम्पल के दौरान समझाऊंगा अभी वीडियो। तो दोस्तों ये है सर चैम्बर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ये पाइप जानबूझ के काटी गई है क्योंकि पानी के प्रेशर को कम करने के लिए बीच में काटा जाता है। अब गांव में देख रहे हैं यार, जहाँ जंक्शन होता है, जहाँ चार पाइपें जुड़ी होती है, वहां पे बगल में पाइप को काटना पड़ता है, क्योंकि पानी के प्रेशर को रोकने के लिए पाइप को थोड़ा सा काटना पड़ता है। तो वही पेन स्टोक में जो यूज किया जाता है सर चैम्बर, वही इसका सबसे बड़ा अभी एग्जाम्पल। आपने क्या देखा, सर चैम्बर देखा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में। ये तो सबसे मेन कंपोनेंट है पावर हाउस में लगने वाला, क्योंकि इससे तो बिजली बनेगी यार। क्योंकि एक घूमेगा तभी शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोलिक टरबाइन इज ए प्राइम मूवर, एक प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर ही मान लो। जनरेटर को देख लो यार, अब जो शादियों में यूज होते हैं, पहले आप उसको चलाने के हाथ से तो घुमाते हैं उसको, तब उसमें स्पीड बनती है। तो ये प्राइम मूवर दैट यूजेज एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, यूज करता है जी फ्लोइंग वाटर, जो वाटर फ्लो कर रहा है, एंड कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन ऑफ रनर इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन ऑफ रनर बन गए। उसके बाद कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बस ए है टू पिक्चर। तो दोस्तों ये है आपका हाइड्रोलिक टरबाइन, इसका मेन काम होता है ये हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और दोबारा एक और प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? ड्यू टू कपलिंग ऑफ जनरेटर। जनरेटर का काम तो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाना, टरबाइन तो बना, टरबाइन क्या, ये तो सिर्फ स्पीड बनाता है स्पीड, और ये आगे शाफ्ट लगी होती है, इसके ऊपर जनरेटर लगा होता है, और इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उसी के कारण बिजली बनती है। और ये बहुत श्रेणी में आते हैं, जैसे इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, पेल्टन फील्ड, कल्पन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, ऐसे ऐसे पॉइंट हैं इसके। तो दोस्तों यह है मेन कंपोनेंट बिजली बनाने का, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ड्राफ्ट ट्यूब, मेन कंपोनेंट है भी पावर हाउस में लगने वाला, मतलब टरबाइन के नीचे, टरबाइन के नीचे लगता है ऐसे। अगर ये नहीं हो तो आपको टरबाइन नष्ट होने का खतरा होता है, क्योंकि ये रिमूव करता है अननेसेसरी वाटर को, जो यूज हो गया टरबाइन में पानी वो यूज हो गया। पर फिर पानी तो निकलने के लिए तो रास्ता चाहिए, तो उसके लिए ड्राफ्ट ट्यूब लगाई जाती है। ड्राफ्ट ट्यूब रिमूव करता है अननेसेसरी वाटर को, बस ठीक है। आइए तो दोस्तों आपकी ये है ड्राफ्ट ट्यूब, ये टरबाइन के नीचे लगाई जाती है। जब पानी स्पायल केसिंग के जरिए घूमता है इसके अंदर, तो उसे बाहर जाने के लिए तो रास्ता चाहिए, तो इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ किया जाता है। ये पानी को आउट करता है, और ज़्यादा बड़ा फंक्शन होता है, ये सिर्फ पानी को ही बाहर निकालता है, ये यहाँ से निकाला जाता है पानी। तो ये था आपकी ड्राफ्ट ट्यूब, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने सारे पॉइंट देख लिए, अब लास्ट पॉइंट समझते हैं, टेल रेस। टेल रेस का काम क्या होता है, जो मतलब पानी यूज हो गया पावर प्लांट में, उसको इसके जरिए नदियों में फेंक दिया जाता है। तो ये होता है आपका टेल रेस, इसको भी हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम समझते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी टेलेस, टेलेस का काम होता है जो पानी यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए उसको बाहर निकालता है और नदी में ऐड कर देता है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें यार, सिर्फ पानी को ये आउट करता है, और इसी पानी को दोबारा यूज़ कर लिया जाता है बिजली बनाने के लिए। हो गए तो बता देना मेरे को आप कैसे लगी आपको मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इससे अच्छी लाऊंगा, और कमेंट करके बता देना। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।